कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मुझे सत्ता में रहने का आशीर्वाद मत दीजिए, मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, ये सारी चीजें सत्ता के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। देश सेवा के आगे प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद को तुच्छ मानने वाले नरेंद्र मोदी की राह पर लगता है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि देश या दलहित में कोई पद छोड़ने के लिए कहेगा तो मैं चला जाऊंगा। जिस योगी आदित्यनाथ ने गुंडे, माफियाओं, बदमाशों के खिलाफ एक्शन लेने में एक पल की देरी नहीं लगाई, तुरंत बुलडोजर चलवाने का आदेश दे दिया, जिस योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही सफाई सरकार में लगा बैन हटाकर थानों में भी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाने का आदेश दे दिया, जिस योगी आदित्यनाथ ने CAA विरोधी हिंसा में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से ही नुकसान की भरपाई करवाई, जिस योगी आदित्यनाथ ने अवैध बूचड़खानों पर लगाम लगाई, जिस योगी आदित्यनाथ ने ताल ठोक कर सरकार चलाई, वही योगी आदित्यनाथ अगर इस चुनावी मौसम के बीच ये बयान दे दे कि देश हित या दल हित में कोई पद छोड़ने के लिए कहेगा तो मैं चला जाऊंगा, तो खबर तो बनेगी ही, क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी ने साल 2017 के बाद से यूपी में सरकार चलाई है उसे देखकर शायद ही कोई बीजेपी समर्थक या योगी समर्थक चाहेगा कि योगी सत्ता छोड़ दें। मगर योगी आदित्यनाथ तो ठहरे योगी आदित्यनाथ। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जहां देश हित की या बीजेपी के हित की बात आएगी वो सत्ता छोड़कर चले जाएंगे। दरअसल ये बात उन्होंने कुछ ही दिनों पहले आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ से जब पत्रकार श्वेता सिंह ने सवाल पूछा कि क्या इस बार कोई संशय है कि 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ा जाएगा या नहीं, उनके इस जवाब पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मेरा तो यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, यहाँ व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है। देश हित में कोई मुझसे कहेगा, दल हित में भी कोई कहेगा कि आज छोड़ना है तो उसी समय मूल्यों और मुद्दों के साथ मैं छोड़ दूंगा। हम मुद्दों और मूल्यों पर काम करने वाले लोग हैं, यूपी में ये कोई मुद्दे ही नहीं है। इसी बीच पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा, सर सब ऑल इज वेल या नहीं, बीच में तो बहुत खबरें आई थी कि विपक्ष भी कह रहा था कि योगी जी दिल्ली पहुंच रहे हैं, योगी जी तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, RSS के नेताओं से भी आपने मुलाकात की थी, तो सब ऑल इज वेल है या नहीं। अंजना ओम कश्यप की इस बात का जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये कोई नई बात नहीं है, कोरोना के वक्त तो हमें 1 साल 6 महीने लग गए, वरना हमारी समीक्षा और मार्गदर्शन लेने के लिए मैं हमेशा दिल्ली जाता था, मुख्यमंत्री समिट होती थी वहां भी हम जाते थे, कभी वह शासकीय तो कभी पार्टी स्तर पर होती थी। जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा था कि मेरे लिए प्रधानमंत्री का पद देश सेवा के आगे कुछ नहीं है, उसी तरह से सीएम योगी ने भी जवाब दे दिया है कि देश या दलहित में कोई पद छोड़ने के लिए कहेगा तो मैं चला जाऊंगा। तो राजेश जी, आपको अभी संतोष है, तबीयत ठीक है? जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपकी उम्र भी इतनी लंबी होगी, हमेशा सत्ता में ही रहे, हमारे परिवार के लोग भी आपसे इतना खुश है, हम क्या कहें आपसे। राजेश जी, आप मुझे सत्ता में रहने की शुभकामना मत दीजिए, मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है। मगर आपको बता दें कि जिस तरह से हाल ही में खुद पीएम मोदी ने सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखा, उसके बाद से तो ये सारी आशंकाएं हवा हो गई हैं कि बीजेपी यूपी में योगी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। मोदी का योगी के कंधे पर हाथ रखना ही बता रहा है कि यूपी में तो योगी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। यहां तक कि पार्टी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि यूपी को ना बुआ चाहिए न बबुआ, यूपी को तो बाबा चाहिए बाबा। आप भी सुनिए राजनाथ सिंह का वो बयान, साथ ही कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप आने वाले चुनाव के बाद किसे यूपी का मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं, योगी, मायावती, प्रियंका गांधी या अखिलेश यादव। आपने देखा होगा, एक चर्चा की बात करूंगी, क्या मोदी जी योगी जी के कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं, अब योगी जाने मोदी जाने, कोई बात है
कोई बात है आप कहिए तो मैं बताऊं। बता दें मोदी जी योगी जी को यह कह रहे थे कि मोदी जी योगी जी आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, धड़ाधड़ बैठिंग करते जाइए, धड़ाधड़ बैठिंग। योगी को कहूंगा मास्क उतार दीजिए,